क्या हो अगर चांद अर्थ के 2 गुना पास आ जाए? देखो, साइंस की दुनिया में ये फ्रिक्शनल या असंभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। हाँ, एक रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि मून हर साल अबाउट सम सेंटीमीटर्स अर्थ के पास मूव होता जा रहा है। तो सालों बाद मून अभी के हिसाब से 2 गुना पास आ जाएगा। तो आइए जानते हैं अर्थ पे क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे। देखो, ये जानने से पहले तुम ये जान लो कि मून का प्रोमिनेंट काम क्या होता है। वैसे तो चांद के बहुत सारे काम होते हैं, पर सबसे मेन काम जान लो। वेल, आप में से कई लोगों को पता होगा कि मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से पानी की लहरों को या समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो टाइड्स को कंट्रोल करने का काम मून का होता है। तो देखो, चांद के 2 गुना पास आ जाने से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स भी 2 गुना हो जाएगा। इसके चलते पृथ्वी में जो पहले मून टाइड्स को कंट्रोल करता था, वो अब और तेज अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और हाई टाइड्स बहुत, ये समझ लो, 2 गुना ऊपर होने लगेंगी और लो टाइड्स पहले से और या कह लो 2 गुना नीचे हो जाएंगी। अब हाई टाइड्स के ज़्यादा ऊपर आने से लो कोस्टल एरियाज पर फर्क पड़ने वाला है। सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क और काफ़ी सारे जो सिर्फ लो कोस्टल एरियाज पर लोकेटेड हैं, वहाँ पर लाखों की डेथ्स होने वाली है। इसके चलते बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े सुपर पावर्स सिर्फ एक मून के पास आ जाने के कारण ख़त्म हो सकते हैं। अब देखो, चांद की खुद की लाइट नहीं होती है। आप जो चांद को रात में देखते हो, वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सारी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सूरज की किरणें जब चांद पर पड़ती हैं, वो चांद से टकराकर पृथ्वी पर आती है। वेल, चांद सिर्फ 19% ऑफ द लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। पर देखो, इसमें भी पोजीशंस मैटर करती है। जिस पोजीशन पर पहले चांद था, वहां से सिर्फ 19% ऑफ द लाइट ही रिफ्लेक्ट होती थी, पर अब चांद 2 गुना पास आ चुका है तो पहले से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी और रात में अराउंड 15-20% रोशनी रहेगी या 15-20% ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगी। देखो, मैंने जो अभी तुम्हें बताया वो सब तो होना ही होना है, पर उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें और होंगी, जैसे नेटवर्क डिफरेंसेस, वेदर इश्यूज और हिमालय से रिलेटेड कुछ सारे चेंजेस। तो अभी के लिए तो इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नए फ्रेश और ब्रेन बूस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय। देखो, अगर तुम नए हो इस चैनल पे, तो बेल आइकन को मार डालो जान से, और लाइक वाले बटन की तो हत्या ही कर दो, और शेयर कर करके इसको फैला डालो।